हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो जैसा कि देखिए, हम लोगों ने CHSL 2019 की जो हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, डे 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हम लोग डे 6 करेंगे। और जो भी इस चैनल पर अभी न्यू व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, अगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैं बस से यात्रा करता हूँ तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुँचता हूँ, यदि मैं कार से यात्रा करता हूँ तो 10 मिनट पहले पहुँचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार कार से यात्रा कर रहा है, एक बार बस से यात्रा कर रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको एकदम से आना चाहिए अच्छे से। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये केवल 20 सेकंड क्वेश्चन है। अच्छी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, फिलहाल 9 से 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो सारे के सारे CHSL के हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बाकी के वीडियोज़ को भी देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा किस तरीके से पेपर आता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे रिलेवेंट हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए डिस्टेंस जो आपको गिवन होती है आप तुरंत उसको ऊपर रख लो, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है कि बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, मैंने देखिए इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, वीडियो को अपलोड करना था, रात के 12 बजे अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देन मैंने सोचा कि 9 बजे तक मैं ये काम कर पाया, 8 से 9 के बीच में मैंने थोड़ा बहुत सेटअप किया और उसके बाद में क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, बाकी मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन करके होता है व्युत्क्रम, ठीक है, कोई दिक्कत होती इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 25 अपॉन बस की चाल पहले, तो मैं बस की बी लिख देता हूँ, ये चाल है, ठीक है, वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, स्पीड है। उसके बाद में 25 अपॉन कार की मैं सी से कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फंडा क्या होता है कि ये 15 मिनट की देरी से है, ये 10 मिनट पहले है, ठीक है। अगर पहले और एक देरी वाला होता है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों देर देर में होते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा आता है, इवन आपको रटा भी हुआ है तो भी कूल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 25 अब ये मिनट में है, तो अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूँगा तो यहाँ पर 60 का आपको डिवाइड मारना होगा। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन में एक ही यूनिट लेकर चलिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में क्वेश्चन चल रहा है देन उसको किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलिए, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में लेकर चलिए। अब ये किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में है, तो क्यों ना इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको घंटे में चेंज कर लिया। अब आपको पता है कि मैं यहाँ से 25, 25 और 25 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आपका निकल कर आ गया 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 अपॉन 60, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो आपका आया है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आया है, आपसे पूछा यहाँ पर सेकेंड प्रति मीटर में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल सा, ठीक है। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6 दाम 60 और 6 3 18, इसका मतलब जो आपका राइट आंसर है वो है 3/50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है, किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षटभुज बनाया गया, ठीक है, एक हेक्सागन बनाया गया एक सर्किल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। और ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपने तुरंत क्या किया, यहाँ पर एक इसका सेंटर बना लिया, इसकी रेडियस आर है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अनुपात किससे बोला है, उस भाग से जो षटभुज द्वारा, जो हेक्सागन द्वारा क्या कवर नहीं किया गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट निकालना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको पूरे सर्किल के एरिया में से आपको हेक्सागन का जो एरिया है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये घटा देना है। अब आपको पता है कि आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, पाई ऊपर रखा रहने दो, ये 2 तय 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये दोट के यहाँ पाई के साथ, तो 2π माइनस का 3√3, और ये 2 बटे में आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो 2π/2π 3 √3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत आसान है, ऊपर आपको सर्कल का एरिया रखना है, माइनस में क्या करना है आपको, नीचे जो बचा हुआ पार्ट है उसको सर्कल के एरिया में से हेक्सागन के एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, और प्री का लेवल देखिए इजी रहता है, 2-3 क्वेश्चन को अगर हम लोग छोड़ दें तो 20 से 22 क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। जिसको मैथ आती है वो यही बात आपसे बोलेगा, जिसको मैथ नहीं आती है वो आपसे ये ज़रूर बोलेंगे कि मैथ जो है बहुत टफ आती है, ठीक है। बट जिसको, जिसने 1 साल लगभग अपने मैथ को दिया है, बहुत अच्छे से फुल डेडिकेशन से दिया है, उसको मैथ जो प्री की होती है वो बहुत आसान लगती है, ठीक है। ABC में, ठीक है, B क्या है, 90 का एंगल है, ये A है, और ये क्या है, C है, ठीक है। इस पर कह रहा है BD जो है
वो इस पर लंब है। अगर आप आपको थोड़ी बहुत थ्योरम्स आती हो तो यहाँ पे दो तीन थ्योरम्स होती हैं, जैसे क्या होता है, होती है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ठीक है, ए डी इंटू डी सी, मैंने बताई भी है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं देन आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, सी डी इंटू पूरा सी ए, ठीक है, बात वही है, सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, ठीक है, मैंने ए सी नहीं लिखा शायद ना, ए डी इंटू ए सी होता है, ठीक है, यहाँ पर ए सी होगा, ए डी मतलब इतना पार्ट और फिर पूरा पार्ट, ठीक है। इस तरीके से थ्योरम्स होती हैं और भी होती हैं, लाइक बी डी स्क्वायर बराबर, जो कि यहाँ पर लगेगी भी, ठीक है, बी डी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, तो इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एक नॉर्मल सी ए भी होती है जो आप निकाल भी सकते हो, 1/2, इसका एरिया क्या होगा, ए सी सॉरी ए बी इंटू बी सी। अब एक तो ये एरिया हो गया ट्रायंगल का, दूसरा एरिया क्या बोल सकते हो आप, 1/2, ये भी तो लंब है, परपेंडिकुलर है, तो बी डी और इंटू में क्या हो जाएगा, पूरा ए सी, ये भी देखिए आधार गुणे ऊंचाई है ए सी, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होता है, तो बी डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू बी सी भी होता है, ठीक है, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। बाकी इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर बराबर ए डी अपॉन डी सी भी होता है, ठीक है, तो ये भी थ्योरम से, और कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, इस जगह से, अगर आप ए बी स्क्वायर, अभी देखिए आगे वाले क्वेश्चन में यही है, यही चीज़ है सेम, तो मैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सी एच एस एल में ये भी क्वेश्चन आया है और अगला क्वेश्चन भी आया है, सेम शिफ्ट में आया है, इसका मतलब है कि अगर आपको ये चीज़ें आती थी देन आप दो क्वेश्चन निकाल सकते थे पेपर से, ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये थ्योरम्स आती हैं देन इनका यूज़ करके भी कुछ नया बन जाता है, जैसे कि ये भी नया आगे बनेगा, ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे ये वाली यूज़ करनी है, तो बी डी आपको निकालना है, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी और डी सी आपको दिया गया है, तो आप कह सकते हो 20, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे √20, और √20 की वैल्यू क्या होती है, 2√5, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। इसको किस तरीके से एलेबरेट किया जाता है ये आप बुक्स में पढ़ सकते हो, बाकी अगर टाइम मिला तो मैं भी आपको बता दूंगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही ले रखा है, वही मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है, ये डी होता है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। मैंने आपसे बताया कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी होता है, तो ए डी इंटू ए सी, और यही बात यहाँ से भी होती है कि बी सी स्क्वायर बराबर ए से बी सी पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज हैं, यहाँ पर ये बी ना हो गई, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये लंब ऐसे ही है, बट यहाँ पे ये ए पॉइंट है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ए से बी सी पर लंब है, तो ए से बी सी पर ए डी लंब है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हो बहुत आसानी से कि ए बी स्क्वायर, देखिए थ्योरम्स चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, ए बी सी अल्फ़ाबेट्स कोई भी चेंज कर सकता है, यहाँ पर पी क्यू आर भी डाल सकता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी डाल सकता है, बट जो थ्योरम होती है वो वही रहती है, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, तो बी डी इंटू बी सी हो जाएगा, उसके बाद में ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर सी डी, इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है सी बी, अगर आप इनका डिवाइड मार देंगे देन आपको मिल जाएगा, देखिए अब ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से नया निकल के आ गया, ठीक है, ये भी थ्योरम होती है, अगर डायरेक्टली किसी को याद है देन वो तुरंत टिक मार सकता था 5 सेकंड के अंदर, बट अगर नहीं पता है, ये दो पता है देन आप निकाल भी सकते हो, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर बी सी से बी सी कैंसिल आउट देन बी डी अपॉन सी डी, ठीक है, बी डी अपॉन सी डी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ज्योमेट्री की होती हैं जो आपको अगर आती हैं देन आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ए बी सी में, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए सी के समांतर, तो ए सी के पैरेलल जो है एक भुजा है पी क्यू, तो मैंने पी क्यू को इस तरीके से ले लिया, जहाँ पर ए बी सी का जो एरिया ए बी सी है वो एरिया ए बी सी, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से पॉइंट आउट करूँ, एरिया ए बी सी मतलब पूरे की बात कर रहा है, ठीक है, वो एरिया पी बी क्यू, ये जो इतना वाला एरिया बचा है ना, ये वाला एरिया, इसके कितना है, 3:1। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो होता है, जस्ट लाइक मैं इसको ऐसे कर दूं कि एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी बी क्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर में होता है साइड का रेशियो, जस्ट लाइक बी पी, यहाँ पर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, बी पी अपॉन पूरा ए बी। अब जैसे ये 3 है और ये 1 है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरी जो साइड आएगी वो आएगी √3,
और जो इतनी साइड आएगी वो आएगी वन। ठीक है, अब आप समझ रहे हो एरिया बराबर भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया 3/1 रखूँगा देन हमारी साइड्स जो आएंगी वो रूट 3 आएगी और ये 1 आएगी। अब बोला है सी बी अपॉन सी क्यू, तो सी बी हमारा क्या है, सी बी मतलब पूरा मतलब रूट 3, और सी क्यू क्या होगा, सी क्यू होगा रूट 3 माइनस 1। भाई पूरी रूट 3 है, उसमें से 1 कैंसिल आउट कर दोगे तो रूट 3 माइनस 1। अब आपको पता है कि नीचे आपको रूट नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है। देन आप इस तरीके से रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा रूट 3 रूट 3 प्लस 1 और नीचे आपको 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा है। प्रथम 1234 रिक्त स्थान संख्याओं का औसत 1234 के बराबर। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिसको नहीं, जो बिगनर्स होंगे हो सकता है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते, बट आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी, देखिए ये प्राकृतिक नेचुरल है, ये ऑड है, ये इवन और ये प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स जो होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि दो ऑड नंबर्स का स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के दो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3, अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी ऑड नंबर्स होंगे, अगर स्टार्टिंग से आप ले रहे हो, ठीक है, प्रथम जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका जो एवरेज होगा वो उन्हीं संख्याओं के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर ले लूँ, तो मैं 1 3 5 ले लूँ, तो देखिए जो आपका एवरेज आएगा वो भी 3 ही आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या चलता है पता, कि अगर किसी नंबर का स्टार्टिंग से एवरेज भी वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो संख्याएं क्या रही होंगी, ऑड रही होंगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था आप ही के SSC CHSL 2018 में, ये क्वेश्चन ये बहुत प्यारा, ये भी CHSL 18 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8000 रुपये आपके पास ABC में वितरित किए गए हैं, 500, 200 और 100 के नोट हैं, उनके द्वारा प्राप्त राशि, जो राशि है वो 15:2:3 के अनुपात में, इसका मतलब है इसको मैं अगर 20 लिख लूँ, 15:2:17:3:20, तो ये राशि टोटल किसके बराबर है, 8000 के बराबर है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, 400 हो जाएगी, इसका मतलब राशि कितनी कितनी है, ये 6000 है, ये कितनी है, ये 800 रुपये है। अब देखिए रुपये निकल कर आ गए कि ए को कितने रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 500 के नोट, ये कितने मिल रहे हैं, ये 1200 मिल रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 500 का यहाँ डिवाइड मार दूँ, यहाँ पर 200 का डिवाइड मार दूँ, यहाँ पर 100 का डिवाइड मार दूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नंबर्स मिल जाएंगे नोट के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12:4, यहाँ पर 4:4 और यहाँ पर आ जाएगा 12, मतलब 12 नोट 500 के थे, 4 नोट इसके पास कितने के, 200 के थे और 1200 के थे, इनका रेशियो निकालना है नोटों की संख्या का, तो 4 से काट दो, 3 1 3। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लोग पेपर में इतना कभी कभी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, जिनको मैथ्स आती है वो बहुत प्यार से सोच लेंगे, बट कई लोग इसमें घूम सकते हैं। ये क्वेश्चन रटा हुआ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आपको 12% लाभ पर कोई चीज़ बेची जा रही है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को हानि पर या लाभ पर बेचा जा रहा है, और दोनों का टोटल आपको दिया गया है कि कितना लाभ या टोटल कितनी हानि हो रही है, देन आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो, प्लस का 12 यहाँ, माइनस का 12 क्योंकि यहाँ पर आपको हानि हो रही है, यहाँ पर आपका प्लस का 1.2। अब आपको पता है कि इसमें से इसको घटाया जाता है, इसमें से इसको घटाया जाता है, ये माइनस का है, घटाओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, देन आपको क्या हो जाएगा, ऐड होके आपका 13.2 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे। ठीक है, तो ये माइनस का है नहीं एक्चुअली, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से घटाया जाता है, 12 में से 1.2 को घटाओगे तो 12 ऑलरेडी माइनस में है, उसके बाद 1.2 भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 12 में से 1.2 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 10.8। ठीक है, इसको आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 कम 6 48, मतलब 11:9 आपकी क्या जाएगी, पहली और दूसरी चीज़ के क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। आपको पता है 11:9 20 20 किसके बराबर है, 2000 के, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। इसका मतलब इससे पहली वस्तु का पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब पहली वस्तु का, तो 11 और 11 × 100 करोगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर हानि वाला पूछता तो 900 आंसर आ जाता, ये एलिगेशन मेथड है, आपको यहाँ पर प्लस वाला रखना है, यहाँ माइनस रखना है, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होता है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, बाकी इस वैल्यू में से इस वैल्यू घटाना होता है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू घटाना होता है। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो घटाने पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, कि त्रिभुज में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कि त्रिभुज में परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड जो होता है वो सारा
कौन से ट्रायंगल में एक ही पॉइंट होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल एक समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें ये चारों जो होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर मैं आपको डिफरेंस समझा पाऊँ तो मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है बट फिर भी देख पाते हैं। केंद्र का देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है अगर हम माध्यिका की बात करें, ठीक है। माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब मीडियन जो होती है उस वो जहाँ पर कट करती है, मीडियन जहाँ पर कट करती है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक क्लियर हो गया आपका। दूसरे पे आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर। देखिए जहाँ पर लंब, जैसे मैं यहाँ पर लंब डाल रहा हूँ, ये इस पे मैं यहाँ पर लंब डाल रहा हूँ, बाकी इस पे मैं यहाँ पर लंब डाल रहा हूँ, तो लंब जो आप परपेंडिकुलर डालते हो सामने वाली भुजा पर उसको जहाँ पर कट करते हैं उसे लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अंतः केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से बाइसेक्टर हम लोग जो काटते हैं ना, इस तरीके से अगर देखिए कहीं पर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है मैथ्स को, तो मैं फ़िलहाल अभी आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद पढ़ के भी आपको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो बहुत दिनों से अभी मैंने मैथ्स को नहीं उठाया है, लगभग 2 से 2.5, जब से जॉब ज्वाइन किया जब से तो उठाया ही नहीं है। उसके पहले भी केवल मैं स्पीड टेस्ट पूरे सप्ताह में एक देता था केवल, ठीक है। तो 3-4-5 महीने से मेरा फ्लो वैसे भी छूटा हुआ, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस जो भी मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा पाऊँ बिगिनर्स को तो मैं सिखा पाऊँगा। बाकी जब मैं और थोड़ा पढ़ाई करूँगा, टाइम मिलेगा थोड़ा मुझे और, तो मैं और ज़्यादा आपको डीपली बता पाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। तो जहाँ तक अंतः केंद्र यही होता है कि आपको बाइसेक्ट करना है चीज़ों को, और इस तरीके से जो कटता है यहाँ पे पॉइंट वो आपका इन सेंटर होता है, ठीक है, अंतः केंद्र होता है। इसके अलावा सरकम सेंटर आपका क्या होता है कि भुजाओं को इस तरीके से, जैसे ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, और इसका समद्विभाजन का जो केंद्र होता है, ठीक है, इसे आप लोग क्या कहते हो? सरकम सेंटर कहते हो। और इसको इस तरीके से मिला देने से ये तीनों के लिए क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से एंगल बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा देखिए और भी इसमें चीज़ें होती हैं, एंगल निकालने को भी आता है, तो उस पर कभी डेप्थ में के देखेंगे। बाकी बहुत लोग इस पर वीडियोस ऑलरेडी ज्योमेट्री पर बना चुके हैं, आप उनके भी वीडियोस को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगा, सरकम सेंटर समझ में आ गया होगा कि रेखाओं का जो समद्विभाजन होता है उसका जो केंद्र होता है उससे आप एक सरकम सेंटर आपको मिलता है। अंतः केंद्र आपको क्या मिलता है? एंगल के बाइसेक्टर से आपको जो केंद्र मिलता है वो आपका अंतः केंद्र होता है। लंब डालने पर जो आपको केंद्र मिलता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। और जो माध्यिकाओं का जो एक तरीके से काटने पर जो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, ठीक है, हिंदी में बोले क्योंकि मैं हिंदी मीडियम हूँ, देन वो वर्ड्स फ्लो में ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वो आपका केंद्र का होता है, मतलब सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट जब एक जगह पर मिलते हैं तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं pavan.tiwari.5205 पर, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं देन मैथ्स बाय पवन तिवारी करके आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी 650 के अराउंड अपने मेंबर हो गए हैं, बहुत अच्छा। वहाँ पर डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है, देन आप वहाँ पर भी मुझसे ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।